दोपहर करीब 1:30 बजे नेहरू नगर रेलवे फाटक पर बने अंडरब्रिज के ऊपर लगे शेड में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही निगम भिलाई सहित पुलिस प्रशासन व यातायात के अमले के साथ दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मंगलवार को लगभग 1:30 बजे अचानक नेहरू नगर स्थित अंडरब्रिज के शेड में आग लग गई। देखते ही देखते आग से उठने वाले धुएं ने पूरे शहर को बता दिया कि आग तेजी से बढ़ रही है और लोगों की भीड़ उस जगह पर जमा हो गई और वहां जमी भीड़ में खड़े जिम्मेदार नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए नगर निगम भिलाई, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दे दी, जिससे मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, पुलिस प्रशासन और निगम भिलाई का अमला मौजूद हो गया और कवायद शुरू हो गई आग पर काबू पाने की। मात्र 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान अंडरब्रिज के दोनों तरफ पुलिस प्रशासन की PCR वैन खड़ी कर दी गई और अंडरब्रिज से आवागमन को बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए आग पर काबू पा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण बताते हुए कहा कि अंडरब्रिज पर बने शेड के बगल में कुछ गन्ना रस बेचने वाले लोगों के द्वारा गन्ने का कचरा डाल दिया गया था, जिसमें आग लगी और उसी आग के बढ़ने की वजह से आग ने अंडरब्रिज के ऊपर लगे प्लास्टिक की शीट और उसके ऊपर बिछाई गई डामर की शीट को अपनी चपेट में ले लिया और आग फैलने लगी। एक बार फिर भिलाई शहर के नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक बड़े हादसे को रोक लिया। अगर वक्त पर कुछ जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई होती तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घटनास्थल पर नगरपालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल भी उपस्थित हुए और उन्होंने निगम प्रशासन को उचित दिशा निर्देश देते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस आगजनी की घटना की पूर्ण जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव ने मीडिया को दी। नेहरू नगर अंडरब्रिज का मामला है, जहां पर आज अभी कुछ देर पहले आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और ट्रैफिक की टीम यहां पर पहुंची हुई है। मौके को संभाल लिया गया है और जो आगजनी हुई थी उसके कारणों का पता लगाया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों का कहना है कि गन्ने के व्यापारी के द्वारा जो अपने पदार्थ लेके गए थे उसके कारण आग लगी थी और ये रेलवे ट्रैक और अंडरब्रिज जहाँ से लोगों का मूवमेंट रहता है वहाँ पर बढ़ सकता था, खतरनाक हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। सर, फिलहाल अंडरब्रिज को बंद किया गया है? फिलहाल अंडरब्रिज को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, पुलिस की टीम लगी हुई है और जब तक नॉर्मल ना हो जाए स्थिति तब तक आवागमन बाधित है। ऐसे कई मामले देखे जाते हैं जिसमें आम जनमानस की जागरूकता और सतर्कता से कई बड़े हादसे टल जाते हैं। ऐसा ही नजारा भिलाई में भी भिलाई वासियों की तत्परता से देखने को मिला, जिसमें नेहरू नगर अंडरब्रिज में लगी आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सका। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।